नमस्कार, आप सबों को स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स 16 अप्रैल 2023 लेटेस्ट करंट अफेयर्स का सवाल मैं आपके बीच लेकर आया हूं। मेरे साथ में आप अंत तक बने रहेंगे, तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं पहला सवाल लेकर। हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो सही उत्तर है तेलंगाना राज्य में। किसने हाल ही में बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? तो सही उत्तर है नितिन गडकरी। फिर मैं एक बार इस प्रश्न को दोहराऊंगा, पहले देखा जाए। और अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स का 16 अप्रैल 2023 का। हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सही उत्तर है स्वर्ण पदक। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो सही उत्तर है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। और करंट अफेयर्स का सवाल 16 अप्रैल 2023 का, हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है शाहरुख खान जी को। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो घाना। और अगला सवाल इसमें तीन करंट अफेयर्स का है 16 अप्रैल 2023। तो कौन सा राज्य हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य। हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली क्वेश्चन है यह। और जस्टिस वट्टू देवानंद। और अगला सवाल देखेंगे, किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो कुमार मंगलम बिरला। और ये लास्ट सवाल है, हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो सही उत्तर है SBI। तो मैं क्वेश्चन को फिर मैं दोहराना चाहूँगा, एक बार वन सेकेंड जरा देख लें और बढ़िया रहेगा, एक बार रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन का। तो हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना राज्य में। किसने हाल ही में बंदरगाहों पर 11वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है? नितिन गडकरी ने। उसके बाद हाल ही में अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री। और हाल ही में किस भारतीय को टाइम मैगजीन के प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान को। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो घाना देश। इसमें तीन है, इसमें आप देखना चाहेंगे, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 के शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसने मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो जस्टिस बट्टू देवानंद। और किसे हाल ही में बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला? कुमार मंगलम बिरला को। और लास्ट सवाल है, लास्ट करंट अफेयर्स 16 अप्रैल 2023, हाल ही में किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च किया है? तो SBI। तो इसी के साथ आप सबों को नमस्कार, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आपके साथ YouTube चैनल पर। नमस्कार, बहुत धन्यवाद।